हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद के तो बढ़िया होंगे गाइस। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना चाहिए, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, है ना। और एक वीडियो और डालूंगा मैं जब आपके अलॉटमेंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेंगे वो वीडियो में बाद में डालूंगा। अभी आप ये ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी रेडी रखिए अभी से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो आपको जो नीट का एडमिट कार्ड है ये आपको रखना है ना, ये रेडी रखना है। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड या मार्कशीट जिसको बोलते हैं, 10th क्लास मार्कशीट, 11th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट, और ध्यान रखना इसमें आपको बायो होना चाहिए साथ में, बायो कंपलसरी। और इसके बाद अपन बात करें आधार कार्ड ओरिजिनल, ये रखना आप। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आप तहसील ऑफिस से बना सकते हैं ऑनलाइन, है ना। ये उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो OBC, SC, ST और EWS जिन्होंने डाला है उनके लिए EWS सर्टिफिकेट बनता है वो। उसके बाद आप रखना इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी तहसील ऑफिस से बनता है, तहसील ऑफिस या तो आप लोकसेवा से बना सकते हो। और ये जैसा आपने आप 2024 में एडमिशन लेंगे तो 2023-24 उसका होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग हैंडीकैप है तो उनके लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आप बनवा लेना, है ना। और गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो लेना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो वो ये सर्टिफिकेट भी अभी तैयार रखना, है ना। और नहीं अगर प्रोफार्मा नहीं, अभी तो वेट करना, जैसे प्रोफार्मा आ जाए MPDM साइट पे तो वो उस प्रोफार्मा से आप बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तैयार रखना स्कूल से, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और नेक्स्ट आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से बन जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट आता है फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो सबको रखना होता है, और कम से कम 20 फोटो अभी तैयार रखना। और फोटो जो अपने एडमिट कार्ड में, जो एडमिट कार्ड में नीट स्कोर कार्ड में जो भी फोटोज है वो सेम फ़ोटो आपके चाहिए एडमिशन के टाइम पे, तो वो सेम फोटो कम से कम 20 फोटो अभी बना के रख लीजिए आप, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कम से कम अभी तैयार रखें ताकि आपको बाद में भाग दौड़ ना करना पड़े। और कम से कम 3 सेट इसका जो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए इसके इस वो ले लेना आप, क्या फ़ोटो कॉपी करवा लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मैंने पहले ही बताया आपको अलॉटमेंट के टाइम पे, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा जो जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बनाना आपको है एडमिशन के टाइम पे जाके, तो वो बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और गाइज जो लोग पर्सनली काउंसलिंग करवाना चाहते हैं मुझसे, तो वो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, वो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।